यो व्हाट्स अप गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो फाइनली आज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को रिलीज हुए हो चुके हैं 3 दिन। अगर आप मार्वल के कट्टर फैन हो तो आपने मूवी अब तक देख ही ली होगी, बट अगर अभी भी मूवी नहीं देखी है तो आगे बहुत सारे स्पॉयलर्स होंगे इस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अभी छोड़ देना, चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की कहानी इस तरह से है कि जो एडम वॉरलॉक की माँ है, मुझे उसका नेम नहीं पता, जो कि वॉल्यूम 2 के अंदर जिसकी रॉकेट ने बैटरियाँ चुराई थी वही औरत, वो मिल जाती है इस मूवी के मेन विलन यानी हाई एवोल्यूशनरी से, जो कि है रॉकेट का क्रिएटर जिसने रॉकेट को बनाया था। और उसको पता नहीं था कि रॉकेट अभी भी जिंदा है और वो रॉकेट के पीछे लग जाता है। एंड जैसा कि वॉल्यूम 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया गया था कि एडम वॉरलॉक को लेकर हिंट मिली थी, हाई एवोल्यूशनरी भेजता है एडम वॉरलॉक को रॉकेट को लेने, लेकिन वो हो जाता है नाकाम, बट वो रॉकेट को कर देता है इंजर्ड। एंड पूरी गार्डियंस की टीम अब रॉकेट को बचाने के लिए लग जाती है, जिसके ऊपर पूरी मूवी बेस्ड है। एंड बीच बीच में हमें फ्लैशबैक के जरिए रॉकेट की पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि हार्ट टच करती है एंड बहुत इमोशनल है। और बात करें मूवी की स्क्रीन प्ले की, तो मूवी लगभग 2.5 घंटे की है, लेकिन वो बोर तो बिल्कुल भी नहीं करती। मतलब बीच बीच में जो जोक्स हैं मेंटिस एंड ड्रैक्स के, जो वाई मोमेंट्स हैं, उनको फुल इन्जॉय करते हैं। एंड एडम वॉरलॉक का जो जलवा और हलवा वाला जो सीन था भाई, उसमें तो मैं खूब खुलकर हंसा हूँ। एंड भाई जो पूरी मूवी के अंदर सबसे बेकार सबसे वाहियात मुझे लगा वो भाई, उसको ज़बरदस्ती घुसा दिया गया है बस इंट्रोड्यूस करने के लिए एडम वॉरलॉक। उसको सच में बच्चा बना दिया भाई, बच्चों वाली हरकतें कर रहा है वो। मतलब उसको पता भी नहीं है कि मैं पावरफुल हूँ या मैं कमज़ोर हूँ, उसको खुद को नहीं पता भाई। वो एक सीन में गमोरा पे अटैक करने वाला होता है फुल एंगर में, और भाई साहब खुद ही ढेर। लास्ट में वो ग्रूट पर भी हमला करने ही वाला होता है, खुद ही गिर जाता है एंड ग्रूट फिर उसको बचाता है। भाई तुम क्या है भाई, हग दिया बिल्कुल मार्वल वालों ने, बच्चों के लिए बनाया कि क्या। एंड रॉकेट के ऊपर जो भाई रॉकी भाई की आवाज़ थी, जो भाई वो शूट कर रही थी, मतलब रॉकी भाई जो KGF चैप्टर 1 में एंड KGF चैप्टर 2 में जो जिसने रॉकी को आवाज़ दी थी, जिस वॉइस आर्टिस्ट ने, उन्हीं ने यहाँ पर ग्रूट को भी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर आवाज़ दी है, जो कि मैंने गूगल नहीं कराया, क्योंकि मुझे खुद ही पता चल गया था देखकर मूवी। एंड सबसे बढ़िया, जो सबसे मतलब बैडएस एकदम जहर, जो मुझे पैसा वसूल सीन लगा हुआ था, जब सभी गार्डियंस भागने वाले होते हैं एंड रॉकेट कहता है बहुत भाग लिया अब भागाने का टाइम है, एंड जो सभी गार्डियंस एकदम ऐसे फुल एटीट्यूड में वोल करके आते हैं, और जो BGM जो साउंड चलता है, जो सॉन्ग बजता है, ओ भाई साहब वो जो फीलिंग्स थी वो निकल कर ऐसा आ रही थी भाई, मैं खूब चिल्लाया हूँ उस सीन के ऊपर, सबसे बेहतरीन सीन वो मुझे लगा। एंड बात करें विलन की, जो कि हाई एवोल्यूशनरी, भाई साहब बिल्कुल चूतिया विलन था भाई, क्या विलन था वो। उनमें ये लिख कर देता हूँ कि वो बहुत जल्द ही मार्वल के वर्स्ट एंड सबसे वेस्टेड विलन्स की कैटेगरी में आ जाएगा। इतना पावरफुल है, जिस एडम वॉरलॉक ने अभी थोड़ी देर पहले गार्डियंस को लिटा लिटा कर मारा है, ड्रैक्स को, नेबुला को, एंड उसने उस एडम वॉरलॉक को दीवारों में दे देकर मारा है। एंड लास्ट के अंदर वो इतना बुरा पिटता है कि गार्डियंस ने उसको संभलने का ही मौका नहीं दिया। वो बात अलग है कि अगर उसको संभलने का मौका देते तो गार्डियंस नहीं बचते, हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि वो बहुत पावरफुल था, बट अगर वो हाथ भी ऐसे घुमाता तो गार्डियंस के एल लग जाते। एंड जब उसका मास्क उतार जाता है भाई, मैं अगर ये क्या दिखा दिया भाई, वो रॉकेट ने जब उसको पंजों से भाई घायल किया था पास्ट में, वही था बट वो मास्क पहनने लगा था। एंड फिर हाई एवोल्यूशनरी को हराने के बाद सभी गार्डियंस अब बातचीत करते हैं, तो जिनमें से सभी गार्डियंस अब हमको अलविदा कर देते हैं, सब बट जाते हैं, जो कि पहले ही जेम्स गन ने हमें अनाउंस कर दिया था कि वो लास्ट मूवी होने वाली है गार्डियंस की, और अब शायद ये टीम हमें एक साथ देखने को कभी फ्यूचर में मिले। तो यहाँ पर पीटर हमें शांति की तलाश में चला जाता है पृथ्वी पर अपने नाना के यहाँ। मेंटिस अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीने के लिए निकल जाती है स्पेस में, एंड ड्रैक्स एंड नेबुला उन बच्चों का ध्यान रखते हैं जिनको उन्होंने हाई एवोल्यूशनरी से बचाया था, और रॉकेट एंड ग्रूट बचते हैं, जिनमें से रॉकेट बन जाता है एक टीम का कैप्टन। फाइनली ग्रूट ने आई एम ग्रूट के अलावा पहली बार कुछ और कहा, आई लव यू। फिर इसका फर्स्ट पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी गार्डियंस के सभी नए नए कैरेक्टर्स होते हैं, वो आपस में अपने फेवरेट सॉन्ग के लिए बात कर रहे होते हैं। एंड फिर यहाँ पर वही सॉन्ग बजता है जो कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 के स्टार्टिंग में बजा था, क्योंकि गार्डियंस की शुरुआत होती है एंड उसी सॉन्ग से गार्डियंस की एंडिंग भी हो जाती है। एंड उसके बाद सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है, जिसमें कुछ भी नहीं, बस पीटर अपने नाना से बात कर रहा होता है, एंड मूवी ख़त्म। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल बी बैक। मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। एंड मार्वल के जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं फेज 4 के, नो वे होम को छोड़कर, मुझे ये बहुत मूवी बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी। एंड आई
मजा आ गया मूवी को देखकर, जो जोक्स थे, जो फनी मोमेंट्स थे। जब भी आप मूवी को सीरियसली लेना चालू करोगे, ये कुछ ना कुछ जोक मार देंगे। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।